गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारी क्षितिज यह रीडर बुक होगी और कृतिका यह हमारी सप्लीमेंट्री बुक होगी। आज हम सप्लीमेंट्री बुक कृतिका से फर्स्ट चैप्टर इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय में ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने 1975 की घटना की प्रलयकाली बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। इस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक के संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। चलिए सबसे पहले हम इस जल प्रलय के जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु उनके बारे में थोड़ा देखते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव औराही हिंगणा जिला पूर्णिया बिहार में हुआ और स्कूली शिक्षा नेपाल में। 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे। रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। प्रमुख कृतियाँ इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मैला आंचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे, यह इनका उपन्यास है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर, यह इनका कहानी संग्रह है, ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा, यह इनका रिपोर्टाज है। चलिए सबसे अब हम पढ़ेंगे लेसन इस जल प्रलय में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 बिहार में हुआ। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 में हुई। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्टाज है। यह लेसन एक रिपोर्टाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें इन्होंने पटना में आई प्रलयकाली बाढ़ का आंखों देखे हाल का वर्णन किया है। यहाँ लेखक ही कहते हैं कि उन्होंने बाढ़ अपने जीवन में कभी नहीं देखी। उन्होंने बाढ़ के बारे में सिर्फ लिखा था, सुना था और उसी सुनने के साथ साथ उन्होंने लिखा था। पर जब यह लेसन यह रिपोर्टाज जब वह लिख रहे थे तब उन्होंने अपने आँखों के सामने बाढ़ का प्रलयकाली रूप देखा है और शायद ये उनका फर्स्ट एंड लास्ट प्रलयकारी चित्रण रहा हो जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। कितना भयंकर, कितना प्रलयकारी एक जो दृश्य था उन्होंने देखा, ये जब हम पाठ रीड करेंगे तब हम ये समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये सब चीज़ें देखी हैं। बाढ़ क्यों आती है, सभी जानते हैं बाढ़ क्यों आती है। सबसे पहले आप यह समझें कि बाढ़ क्यों आती है। बाढ़ आती है नदी में वर्षा का पानी ज़रूरत से ज़्यादा आने से बाढ़ आती है। कहीं और वर्षा हो रही है, वह वर्षा का पानी नदी में आने से वह बाढ़ नदी के आसपास
जो गांव होते हैं उनमें फैल जाते हैं, उनमें फैल जाता है वो बाढ़ का पानी। और कहीं कहीं तो हालात और कहीं कहीं तो नदी पे जो बांध बांधे जाते हैं वह टूटने से भी नदियों में, गांव में बाढ़ आती है, जिससे जान माल का बहुत नुकसान होता है। हम बाल का प्रलयकारी रूप यह न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। चलिए रीड करते हैं लेसन इस जल प्रलय में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गायें, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं उनका गांव ऐसे क्षेत्र में है जहां हर साल बाढ़ आती है। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, यह सभी नदियां हैं कि बाढ़ से पीड़ित लोग प्राणियों का समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह लेते हैं मतलब वहां रुकते हैं जहां बाढ़ आती है, और वहां से लोग पलायन करके इनके गांव में आके रुकते थे। सावन भादो यह बरसात के महीने हैं। सावन भादो यह बरसात के मंथ हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। सावन, यहाँ लेखक ये कहते हैं कि सावन भादो में ट्रेन से कहीं जा रहे हो और खिड़की से बाहर देखो तो विशाल सपाट ज़मीन पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही बाढ़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाढ़ बहुत भयंकर आई है। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता एवं अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरी कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं।
लेखक कहते हैं परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण वह भी गांव के और लोगों की तरह तैरना नहीं जानते थे, क्योंकि जहां नदी तालाब होते हैं वहां के लोगों को तैरना आता है। पर यहां लेखक कहते हैं कि वह परती क्षेत्र में होने के कारण उन्हें तैरना नहीं आता था। परती क्षेत्र वो होता है, गांव में खाली ज़मीन होती है जहां कुछ लोग उसको खेती करने के लिए देते हैं और कुछ लोग खुद ही खेती करके कुछ ज़मीन ऐसी खाली पड़ी रहती है, तो उसे परती की जगह कहते हैं। और ऐसे इलाके में परती क्षेत्र में रहने के कारण उन्हें तैरना नहीं आता था, ऐसा लेखक कहते हैं। 10 साल की उम्र से उन्होंने रिलीफ वर्कर की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रहते रहे हैं। बाढ़ पर लिखने का अनुभव भी है, लेखक को भी कहते हैं। जब वह हाई स्कूल में थे तो उन्होंने बाढ़ पर एक लेख लिखा था जिसे प्रथम प्राइज फर्स्ट प्राइज मिला था। धर्मयुग जो एक फेमस मैगजीन थी उसमें एक कॉलम आता था कथा दशक, उसमें भी इन्होंने पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ लिख चुके हैं। लेखक ने पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ लिखा है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक यहाँ ये भी कहते हैं कि मैंने कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के बारे में लिखा है, किंतु लेखक यहाँ यह भी कहते हैं कि उन्होंने आज तक बाढ़ का विनाश रूप खुद की आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि यह तो पटना शहर में रहते थे और बाढ़ तो हमेशा नदी नहर तालाब के हिस्सों में ही आती है। यहाँ लेखक यह भी कहते हैं कि उन्होंने 1967 में बाढ़ को अनुभव किया। मतलब बाढ़ को आते हुए देखा था। 1967 में पटना में बिना रुके 18 घंटे की बारिश के कारण पुनपुन यह एक नदी है का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था और तभी मैंने बाढ़ को अनुभव किया है। गांव के आदमी की हैसियत से नहीं, शहरी आदमी की हैसियत से, लेखक कहते हैं। जब बाढ़ के पानी से पटना शहर का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, मतलब जब आप पानी में सीधे खड़े रहते हो तो पानी चेस्ट तक आ जाता है, इतना पानी, तो हमने घर में ईंधन जलाने की सामग्री, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां, यह सारा सामान इकट्ठा कर घर में रख लिया और बाढ़ के पानी का पटना शहर में इंतज़ार करने लगे। चलिए आगे रीड करते हैं। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लानित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल में घिर गया है। यह सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जागो जानो गोलघर डूबे गए छे और पाँच बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कह के हम रिक्शा पर बैठ गए।
साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरण अनर्गल अनपढ़ अनगढ़ गद्य में स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास बाढ़ के पानी से भरा हुआ है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर भी जल से घिर गया है। यह सूचना हमें बांग्ला में मिली। और 5 बजे हमें कॉफी हाउस जाने के 5 बजे हम कॉफी हाउस जाने के लिए निकले। कॉफी पीने के लिए नहीं, बल्कि शहर का हाल जानने के लिए। कॉफी हाउस जाने के लिए हमने रिक्शे वाले को बुलाया और कहा, कॉफी हाउस चलोगे? तो उसने रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस न तो अबले पानी आ गया होगा। मतलब कॉफ़ी हाउस में तो अब पानी आ गया होगा। इस पर लेखक कहते हैं, पानी कैसे आया यही तो देखना है। और यह रिक्शे में और वह रिक्शे में बैठ गए। उस समय उनके साथ उनके एक मित्र भी थे, जो लेखक की बातों से कभी भी बोर नहीं होते थे।